हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास सेवन्थ के एकादश पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए एकादश पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर एक में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें क में दिया गया है वृक्षे का प्रतिवसति इस्म। इसका मतलब होता है पेड़ पर कौन रहती थी, कौन रहती थी पेड़ पर, चिड़िया रहती थी, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे चटका। ठीक, अब ख में देखो, ख में हमें दिया गया है वृक्षस्य अधः कः आगतः। इसका मतलब होता है पेड़ के नीचे कौन आया, कौन आया पेड़ के नीचे, हाथी आया था, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे गजः। वृक्षस्य अधः कः आगतः, तो इसका उत्तर है गजः। ठीक है, पेड़ के नीचे हाथी आया। अब ग में देखो, गजः केन शाखाम अत्रोटियत। इसका मतलब होता है हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया, सूंड से तोड़ दिया, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे शुंडेन। ठीक है, हाथी ने सूंड से शाखा को तोड़ दिया। अब घ में देखो, घ में हमें दिया गया है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। इसका मतलब होता है काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया, किसके पास ले गया था, मक्खी के पास ले गया था, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे मक्षिकायाः। काष्ठकूट चिड़िया को मक्खी के पास ले गया। ठीक, अब अंग में देखो, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। इसका मतलब होता है मक्खी का मित्र कौन था, कौन था मक्खी का मित्र, मेंढक था, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, मंडूकः। मक्खी का मित्र मेंढक था। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर एक में हमें क्या करना था, एक पद में उत्तर लिखने थे। ठीक, अब प्रश्न नंबर दो में देखो, प्रश्न नंबर दो में हमें दिया गया है रेखांकितानी पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है उसका हमें प्रश्न बनाना है। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो, क क में हमें दिया गया है कालेन चटकायाः संतति ही जाता। इसका मतलब होता है समय के साथ चिड़िया की संतान हुई। अंडरलाइन चटकायाः पर की गई है, चटकायाः का मतलब होता है चिड़िया की, चटकायाः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप में जाएंगे और षष्ठी विभक्ति देखेंगे। किम स्त्रीलिंग शब्द रूप में गए और षष्ठी विभक्ति एक वचन में देखा, तो क्या लिखा हुआ है, कस्याः। इसका मतलब होता है किसकी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कालेन कस्याः संतति ही
जाता। कालेन कस्याः संतति ही जाता, ठीक है। इसका मतलब होता है समय के साथ किसकी संतान हुई। हमने प्रश्न बनाया है इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, ठीक। आया समझ में? जब भी किसी पाठ में प्रश्न निर्माण करने के लिए पूछा जाता है, तब तब मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रश्न निर्माण करने के लिए किम सर्वनाम शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। किम का मतलब होता है क्या। ये शब्द रूप तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं, और कुछ ऐसे अव्यय भी होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं, ठीक। ये सब मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ठीक। अब ख में देखो, ख में हमें दिया गया है चटकाया निडम भुवि अपतत। इसका मतलब होता है चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया, ठीक है। अंडरलाइन निडम पर की गई है। निडम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम किम नपुंसकलिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एकवचन में देखेंगे, ठीक है। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति और एकवचन में क्या लिखा हुआ है, किम लिखा हुआ है। किम का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चटकाया किम भुवि अपतत। इसका मतलब होता है चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। अब नेक्स्ट ग में देखो, गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरित। इसका मतलब होता है हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। अंडरलाइन गजस्य पर की गई है। गजस्य का मतलब होता है हाथी के, ठीक। गजस्य पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और एकवचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम पुल्लिंग शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति एकवचन में देखेंगे, ठीक है। किम पुल्लिंग शब्द रूप षष्ठी विभक्ति और एकवचन में क्या लिखा हुआ है, कस्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा, ठीक। आया समझ में? अब नेक्स्ट घ में देखो, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। इसका मतलब होता है काष्ठकूट चोच से हाथी की आंखें फोड़ देगा। अंडरलाइन चंचुआ पर की गई है। इसका मतलब होता है चोच से। चंचुआ का मूल रूप चंचू है। ये उकारांत स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति और एकवचन है। तो हम किम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन में देखेंगे, ठीक है। किम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति और एकवचन में क्या लिखा हुआ है, कया। इसका मतलब होता है किससे या फिर किसके द्वारा, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। इसका मतलब होता है काष्ठकूट
किससे हाथी की आंखें फोड़ देगा। ठीक, आया समझ में? प्रश्न नंबर दो में हमें क्या करना था, जहां जहां पर अंडरलाइन की गई है हमें उसका प्रश्न बनाना था। ठीक, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर तीन में देखिए, प्रश्न नंबर तीन में हमें दिया गया है, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। इसका मतलब होता है मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें मंजूषा में ये क्रियापद दिए गए हैं, हमें इनको चुनना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका मतलब समझा देती हूँ। करिष्यामि मतलब करूँगा, गमिष्यति मतलब जाएगा, अनयत मतलब ले गया, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा, स्फोटिष्यति मतलब फोड़ देगा, त्रोटयति मतलब तोड़ता है। ठीक, अब क में देखो, क में हमें दिया गया है, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने। इसका मतलब होता है काष्ठकूट चोंच से हाथी की आंखें। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्फोटिष्यति मतलब कि फोड़ देगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्फोटिष्यति। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति मतलब काष्ठकूट चोच से हाथी की आंखें फोड़ देगा। ठीक है, अब ख में देखो, ख में हमें दिया गया है, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम। इसका मतलब होता है मार्ग में स्थित मैं भी शब्द। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा करिष्यामि मतलब करूँगा। ठीक है, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि मतलब मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूँगा। ठीक, आया समझ में? अब ग में देखिए, त्रिशार्तः गजः जलाशयम मतलब प्यास से पीड़ित हाथी तालाब। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा गमिष्यति मतलब कि जाएगा, गमिष्यति। त्रिशार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति मतलब प्यास से पीड़ित हाथी तालाब जाएगा। ठीक, आया समझ में? अब घ में देखो, गजः गर्ते, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पतिष्यति। ठीक है, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा। ठीक है, गजः गर्ते पतिष्यति मतलब हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक, आया समझ में? अब अंग में देखो, काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम मतलब काष्ठकूट उसे मक्खी के पास। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अनयत मतलब कि ले गया। ठीक है, काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत मतलब काष्ठकूट उसे मक्खी के पास ले गया। ठीक, आया समझ में? अब लास्ट देखो, च में हमें दिया गया है, गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः। इसका मतलब होता है हाथी सूंड से पेड़ की शाखा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा त्रोटयति मतलब तोड़ता है। ठीक है, गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति मतलब हाथी सूंड से पेड़ की शाखा तोड़ता है। मैंने जितना भी समझा दिया है, यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग जल्दी से मेरे वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे जितने भी आगे आने वाले वीडियोस होंगे आप लोगों को सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। हमें प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके उत्तर एक वाक्य में लिखना है। ठीक, आया समझ में? अब देखो, यहाँ पर हमें क में दिया गया है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृश्यत। इसका मतलब होता है चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसको क्या पूछा। तो इसका उत्तर है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृश्यत। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसको पूछा भद्रे किमर्थम विलपसी, हे देवी किस लिए रो रही हो। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उसको पूछा हे देवी किस लिए रो रही हो। ठीक, आया समझ में? अब ख में देखो, ख में हमें दिया गया है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत। इसका मतलब होता है चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी क्या बोली। तो इसका उत्तर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत। चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी बोली ममापि मित्रम मंडुकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्र उसके पास जाकर जो उचित है करेंगे। ठीक है, चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी बोली मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास जाकर जो उचित है करेंगे। ठीक, आया समझ में? अब ग में देखो, ग में हमें दिया गया है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत। इसका मतलब होता है मेघनाद ने मक्खी को क्या बोला। तो इसका उत्तर है मेघनादः मक्षिकाम अवदत। मेघनाद ने मक्खी को बोला यत कि यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मेघनाद ने मक्खी को बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक, आया समझ में? अब घ में देखो, घ में दिया गया है चटका काष्ठकूटम किम अवदत। इसका मतलब होता है चिड़िया काष्ठकूट को क्या बोली। तो इसका उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत। चिड़िया काष्ठकूट को बोली दुष्टे नय केन गजेन मम संतति ही नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। चिड़िया काष्ठकूट को बोली एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। आया समझ में? प्रश्न नंबर चार में हमें क्या करना था, एक वाक्य में उत्तर लिखने थे। ठीक, आया समझ में? तो हम लोगों ने क्या करा है, एक वाक्य में उत्तर लिखे हैं। ठीक, इतना आया समझ में?
अब मैं बचे हुए प्रश्नों को प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। मैंने जितना भी पढ़ा दिया है उसमें यदि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।